हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल आवर ब्यूटीफुल लाइफ जर्नी। आज ये फ्राइडे, यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ, तो इस टाइम पे मैंने ब्लॉग को स्टार्ट किया हूँ। फ्राइडे में हम लोग वेज खाते हैं, तो आज खाने में बन रहा है वेज दाल और करेला आलू की भाजी। वेज दाल बनाने के लिए यहाँ पे मैं दाल को धो के सब्जियों में मैंने लिया हूँ कद्दू, बैंगन, टमाटर और आलू, बीन्स, ये सब लिया हूँ। उस सबको सब्जियों को काट के अच्छे से धो के कुकर में दे दूँगी। एक सीटी लगानी है, उसके बाद उसको तड़का लगानी है और उसके बाद मैं करेला आलू को काट के उसका भी भाजी बना लूँगी। और यहाँ पे चावल भी बन रहा है। कपड़े जो है वो सूख गए कितने जोर से धूप। और यहाँ पे मैंने मूंगफली में कीड़े हो गए, ये रख के मैंने गई थी घर, तो आके देखते तो ऐसे कीड़े हो गए पूरा, इसलिए मैं इसको धूप में दे दिया, तो कीड़े जो है वो सूख चला जाए। फिर मैं इसको आज ऐसा फ्राई करके रख दूँगी, नहीं तो फिर पूरा ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे मैंने चना भी इसको धूप में दिया है, क्योंकि इसको भी थोड़ा धूप दे देती हूँ, नहीं तो फिर ये भी इसमें भी कीड़े आ जाएंगे। अभी मैं सारे कपड़े ले लूँगी, क्योंकि कपड़े जो है पूरे सूख गए हैं, तो अभी पूरे सारे कपड़े ले जाऊँगी। हे गाइस, आज सुबह से मेरा तबीयत मतलब ठीक नहीं है, जुकाम हो गई है, नाक बिल्कुल भी नहीं खुल रही है और गले का हालत भी बहुत ख़राब है। तो रोहित को हुआ था, उसका रनिंग नोज था, अभी उस वो ठीक हो गया और वो सर्दी जो है जुकाम जो मेरे को पकड़ लिया और ठीक है। मैं राजीव बोल रहे थे मेडिसिन ला के दूँ क्या, मैं बोला नहीं यार ठीक हो जाएगा, ऐसे मतलब छोटी छोटी तबीयत खराब होती रहती है, ये छोटी बात है, सर्दी जुकाम तो होता रहता है, ठीक हो जाएगा। अभी मौसम चेंज हो रहा है ना, तो मतलब बारिश से ठंड आ रही है, बारिश के बाद ठंड आ रही है ना, तो अभी ठंड भी बढ़ गई है यहाँ पे, तो रात में ठंड लगती है, फैन बंद करके सोना पड़ता है, तो इसलिए मैंने मना कर दिया उनको, ठीक हो जाएगा एक दो दिन में ऐसे ठीक हो जाएगा। तो गर्म पानी, नमक वो जो कुला करते हैं ना, वो भी मैं करती हूँ, और शाम को थोड़ा चाय पी लूँगा, अदरक वाली चाय कल भी पिया था हमने और आज पी लूँगी, तो ठीक हो जाएगा। ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आप ये देखिए गाइस, 5 बजने को है और रोहित यहाँ पे ऐसे सो रहा है, जितना भी बुला लो नहीं उठेगा। मैं पहले इसको उठा लेती हूँ, फिर आफ्टरनून में जो काम रहता है
वो मैं करूंगी, इसको पहले उठा लूं, नहीं तो फिर ज्यादा लेट तक सोएगा तो फिर रात को नहीं सोएगा, फिर प्रॉब्लम करेगी। ठीक है गाइस, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। এটি পড় এটি পড় এই দে এই দে এই দে এই দে সেটা খারাপ হয়ে যাবে বইরে গেলাম দিদি। বইরে শো গেলাম না সিটে গারু কোডে বইরে বা বই বই কে আনলো। হে গাইস, यहाँ पे आज मैं मूंगफली का लड्डू बनाने वाली हूँ। इसके लिए यहाँ पे जो कच्चे मूंगफली मैंने रख के गई थी उसमें कीड़े आ गए सारे, तो उसको मैंने धूप में दे के अच्छे से उसको क्लीन कर दिया हूँ। अभी मैं उसको कच्चा फ्राई कर रहा हूँ, उसके बाद इसका छिलका निकाल के फिर मैं इसका लड्डू बनाने वाली हूँ। इसके लिए यहाँ पे देखिए इस टाइप का गुड़ जो है ना यहाँ पे मिलता है, इसको मेरे को तोड़ना पड़ेगा अभी, नहीं तो फिर नहीं बन पाएगा मूंगफली जो है अच्छे से। कैसे हो गया हम लोग कैसे पता चलेगा कि हो गया या नहीं, तो अच्छे से चटकने लगेगा, उसके बाद हम लोग को पता चलेगा कि मूंगफली अच्छे से हो गई है। हाँ गाइस, कल से मैं और ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरा जो तबीयत है ना वो ख़राब, बहुत ही ख़राब हो रहा है। गला एकदम, आप मेरी आवाज़ से जान पहचान सकते हो कि कितना ख़राब तबीयत है मेरा। तो ये राजीव रोहित को लेके पार्क गए हुए हैं, मेरे को भी बुला रहे थे। आज छुट्टी है, सैटरडे है, तो मेरे को बुला रहे थे लेकिन मैं बोला नहीं जाऊँगी यार, अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए मैंने नहीं। उनको लेके रोहित को लेके उन्होंने चले गए हैं और मेरे को भी मन नहीं कर रहा है कुछ काम करने के लिए, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा ना, तो यहाँ पे मैं अकेली हूँ, काम तो करना पड़ेगा। इसका मैं थोड़ा सा लड्डू बनाऊँगी अभी, तो वही मैं उसी का तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे रोहित आएगा तो उसको मैं वो
शाम का जो खाता है स्नैक्स वो नहीं खाया है, इवनिंग स्नैक्स जो है आएगा तो मैं उसको खिला दूंगी, दूध बिस्किट खिला दूंगी यार। रोहित यहाँ पे बात से आ गया है और आज उसने हेयर कट लिया है, ये देखिए उसका नया हेयर कट। ये मैं उसको अभी इवनिंग स्नैक्स जो उसका उसको खिला देती हूँ, उसके बाद में ये लड्डू बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने अपना माइंड जो है वो चेंज कर लिया हूँ, मैं अभी वो मूंगफली का लड्डू नहीं बनाने वाली हूँ, अभी मैं चिक्की बनाऊंगी। यहाँ पे मैं मूंगफली का छिलका निकाल के तो रेडी कर दिया हूँ। यहाँ पे 12 केसवे जो है काजू जो है वो मैं इसको थोड़ा सा हल्का ड्राई मतलब रोस्ट करूँगी, उसके बाद उसको थोड़ा क्रश करके इसमें डाल के फिर मैं ये गुड़ दे के उसको बना के फिर उसको किसी भी बर्तन में मतलब फ्लैट वाला बर्तन में डाल दूंगी ताकि चिक्की जैसे बनती है ना वैसे ही बनेगा। यहाँ पे मैं गुड़ जो है उसको मैं ऐसे ये पूरा गल जाएगा और इसे ऐसे जैसे ना ऐसे पूरा थिक हो जाएगा, ऐसे आप डालो तो ये पूरा ये हो जाएगा, तो इसको मैं अभी रेडी करूँगी, उसके बाद मैं इसमें ये डालूँगी। गाइस यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, गैस का फ्लेम जो है ना उसको एकदम लो रखना, नहीं तो फिर ये गुड़ जो है वो जल जाएगा, टेस्ट सब खराब कर देगा। देखिए ये पूरा और भी होगा, ऐसे तार जैसे निकलते हैं ना वैसे, आप इसे ऊपर करोगे तो ऐसे तार जैसे निकलेगा, ठीक है स्टिकी टाइप का। इसके बाद आप इसको डालना। यहाँ पे मैंने इसे पानी में थोड़ा सा गुड़ डाल के चेक कर लिया हूँ, ये रेडी हो गया है। इसमें मैं मूंगफली जो है और काजू उसको क्रश करके डाल दिया हूँ और ये देखिए जैसे तार जैसा हो रहा है ना, मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा, ये देखिए तार जैसा आ रहा है ना, और देखिए ये देखिए देखिए स्टिकी टाइप का हो गया है। अभी मैं इसको एक प्लेट में निकाल दूंगी। रोहित यहाँ पे खेल रहा है। ना वो बोला नौटा बम है।